चलो देखो क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पॉइंट इज 0.04 सेकेंड, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कोई वेव जा रही है किसी स्ट्रिंग पे, तो उसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ लिया है जिसका टाइम पीरियड बता दिया है, और है ना वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन वेव वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, बोला है कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ ऑसिलेशन, ये सोर्स ऑफ ऑसिलेशन एस है ना, इसमें ऐसा वेव जा रही है स्ट्रिंग पे, तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, एक पॉइंट कुछ डिस्टेंस है एक्स वन है ना, और दूसरा पॉइंट है जो कि एक्स टू डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम डेल्टा एक्स है, तो इनके बीच का हमको निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको फाई से डिनोट कर देते हैं लेट से, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वी बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बोलो न रे। ठीक है, और वी बाय फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी इंटू टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। हाँ सर, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देनी है, तो वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए, सिंपल सा लल्लू सवाल है। चलो तो क्या हो गया ये, 2π/v, वी की वैल्यू कितनी है 300, डेल्टा टाइम पीरियड कितना है 0.04, मतलब 4/100 लिखो इसको है ना, और डेल्टा एक्स कितना है 0.06, ऐसा ही मैं डाला सब कुछ, आंसर निकाला। ठीक है, बराबर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देखो तो अच्छा, नहीं नहीं 0.06 क्यों लिखा मैंने, 6 लिखूंगा, सॉरी मैं सेंटीमीटर समझ रहा था, बस कर लो आगे आंसर। क्या हो गया, 100 से ये कट गया 3 है ना, 3 से ये 2 कट गया, काम खत्म, 4 हो गया, पाई आंसर, अच्छा पाई ना,